धनबाद शहर के प्रतिष्ठित SSLNT महिला महाविद्यालय में शनिवार को कॉलेज परिसर में इतिहास विभाग की प्रोफेसर बीना शर्मा के द्वारा किया गया सुसाइड का प्रयास पूरी तरीके से राजनीतिक रंग ले चुका है और इस मामले में छात्र संगठन भी अब आमने सामने हो गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। SSLNT महिला महाविद्यालय में शनिवार को बड़ी घटना होने से बच गई। प्राचार्य की प्रताड़ना से तंग आकर प्रोफेसर बीना शर्मा ने कॉलेज में आत्महत्या की कोशिश की। बीना शर्मा ने प्राचार्य पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वहीं प्राचार्य ने इसे विश्वविद्यालय प्रबंधन की साजिश बताया। इस घटना में अब छात्र संगठन भी जुड़ गए हैं। ABVP ने प्राचार्य शर्मिला रानी को बर्खास्त करने की मांग करते हुए कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया और NSUI प्राचार्य के समर्थन में कुलपति का पुतला फूंकने पहुँच गया। हद तो तब हो गई जब रात में लगभग 8:30 बजे प्राचार्य कक्ष में वार्ता हो रही थी। इस दौरान यूनिवर्सिटी सहाय कुल सचिव और DSW के सामने ही ABVP और राजस्व से जुड़े छात्र आपस में ही भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दे दी। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ और दोनों छात्र संघ से जुड़े छात्र नेताओं को कैंपस से बाहर निकाला। देखिए, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धनबाद, ये जो है एक मैडम जिनका नाम बीना झा है, वो खुदकुशी करने का प्रयास की है कॉलेज में। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आए दिन जो कॉलेज की प्राचार्य हैं शर्मिला रानी मैडम, उनके द्वारा हमेशा शिक्षक और विद्यार्थी को और वहाँ के जो कर्मी हैं उनको हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। आए दिन हम लोग पेपर में देखते रहते हैं कि पेपर में आर्टिकल आता है कि आम तोड़ने पर कॉलेज कर्मचारी को थप्पड़ मारा गया। तो ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। प्राचार्य का गरिमा होता है, वो अपनी गरिमा जो है वो पहचान नहीं पा रही हैं। वो हिटलर शाही रवैया को अपनाते हुए काम कर रही हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद आज DSW सर थे, रजिस्ट्रार सर थे, उनसे ये मांग करते हैं कि जल्द एक जांच कमेटी बनाया जाए और दोषी जो भी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त अविलंब कार्रवाई की जाए। तो भीतर में आप लोग के कुछ कहा सुने भी हो गई थी, क्या मामला था? देखिए, दरअसल बात ऐसा था कि विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधि मंडल जो है शांतिपूर्ण तरीके से गए थे ज्ञापन सौंपने के लिए, लेकिन आजसु जो है बिना बताए वहाँ पे आके बैठ गए, जिनके कारण जो है कहा सुनी हुआ है। आप लोग ये में आंसू शामिल नहीं था? नहीं, आंसू शामिल नहीं था, ये सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही आंदोलन था। आप इसमें दोषी किसको मानते हैं? आज का जो हुआ शिक्षिका के साथ, उसमें दोषी किसको मानते हैं आप लोग? कहीं ना कहीं ये दोष जो है डायरेक्ट प्राचार्य पे जा रही है कि अगर प्राचार्य अगर ऐसे प्रताड़ित नहीं करती, ठीक है, तो शिक्षक को क्या जरूरत है? शिक्षक गुरु माना जाता है, एक विद्यार्थी का गुरु विद्यार्थी के गुरु होते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक नीरज निखिल ने बताया कि प्राचार्य अक्सर विवादों में रही हैं। इनकी प्रताड़ना से तंग आकर शिक्षिका ने सुसाइड करने का प्रयास किया। विश्वविद्यालय की कमेटी के द्वारा हर बिंदुओं पर जांच कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ही SSLNT महाविद्यालय के जो दुर्घटना हुई कि एक महिला शिक्षक शिक्षिका के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया, खबर सुनते ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे। उसके साथ ही सारे मामलों को जानने के बाद हमें ये पूर्णतः मने हम इस घटना की निंदा करते हैं, आशुतोष शासन इस घटना की निंदा करती है कि एक महिला शिक्षिका जो प्रोफेसर है, एक महिला कॉलेज की प्रोफेसर है, वो एक प्रोफेसर होने के बाद भी वो एक मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा करके एक फांसी पे लग जाने का आत्महत्या करने का प्रयास कर रही है, जो घटना निंदी है। आप देखिएगा कि अगर एक महिला शिक्षक इस प्रकार की करेगी, एक शिक्षक जो बेहतर समाज का निर्माता होती है वो अगर इस तरह का प्रयास एक शिक्षण संस्थान में, शिक्षा का मंदिर में अगर करेगी, तो समाज पे क्या दुष्प्रभाव जाएगा? अभी जो बच्चियां आ रही है डेली जो झेल रहे हैं, हम बता रहे डेली जो झेल रहे हैं, तो इससे क्या सीखेंगे कि हम लोग यहाँ पे आत्महत्या कर लेंगे? इससे पहले भी BSCT कॉलेज में एक शिक्षिका द्वारा प्रयास किया गया, हमारा विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के HOD के द्वारा इतना कुकर्म जो किया गया, पूरा देश के लोगों ने देखा, नेशनल न्यूज बन गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वहीं पूरे मामले में प्राचार्य शर्मिला रानी सफाई देती नजर आई। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को पूर्व निर्धारित साजिश बताते हुए अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद और बकवास बताया। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनका पेमेंट पिछले 2 महीने से नहीं हुआ था। जब आपको मालूम चला कि अटेम्प्ट लिया वहाँ, क्या? नहीं नहीं, ये तो सुबह में हमको बताया थे। अच्छा, फिर जब हम यहीं पर वही इन लोग का बिल का हम लोग रिवाइज करके बना रहे थे, सभी कोई थे यहीं पे बैठे हुए जी। और कुछ हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स भी थे, तब उसमें से पता नहीं बाहर से कोई दौड़ के हमको बोला कि मैडम बिना मैडम ना दरवाजा बंद कर ली है।
और सुसाइड कर रही है। हम दौड़ के गए बाहर सभी शिक्षकों के साथ में, सुसाइड कर रही है भी शायद बोली थी, है ना। हम दौड़ के गए बाहर, बाहर गए और हम दरवाज़ा पीछे, हमने दरवाज़ा उसको तोड़ो, अंदर से आवाज़ आती है कि मेरा बाल फंसा हुआ है। तो हमने कि दरवाज़ा इधर से भी खुलेगा तो नहीं मैडम, पॉलिटिकल साइंस में हाफ शीशा से कवर्ड हाफ खुला हुआ है। तो हमारा जो स्वीपर है, क्या नाम है, राजू हाड़ी, वो मेरे सामने उतर के चढ़ा और देखे पंखा चल रहा था और उनकी बाल, उनका बाल पूरा ऐसे लपेटे हुए था, अब काट नहीं पा रहा था और पूरा कमर को पकड़े हुए था, क्या नाम है, जो राजू हाड़ी था। एक फिर वहीं से पॉलिटिकल साइंस के ये टेबल से एक कैंची दी गई और उनको काटा गया बाल को, और फिर काटने के बाद अपना उस सुरक्षित अपने बाल को अपने बैग में रखी है, पहले बाल था या दुपट्टा था जो भी था उसको सुरक्षित पहले वो रखी है, और उसके बाद उनको उतारा गया। उतार नहीं नहीं उतारने की क्या जरूरत था, वो तो यहाँ नहीं लगा हुआ था, सिर्फ कहीं फंसा हुआ था, और जो वीडियो अपलोड किया गया वो यहाँ करके किया गया, फिर इसको हटा लिया गया, हटाने के बाद वो इसको रखी हुई रह गई थी, आई पंखा चला दिया गया, उनको गर्मी लगी हुई तो पंखा चलाई है, फिर बोलिए पंखा चलते हुए कैसे कोई फंदा लगा सकता है। प्राचार्य पर आरोप और छात्र संगठनों के बीच शुरू हुए प्रदर्शन और विरोध की राजनीति कहीं न कहीं इस घटना को भविष्य में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। धनबाद से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट।